यहाँ खोखा था वो कड़कड़ा गए दोनों यहाँ बैठते थे शाम की तरफ। ऑलराइट, सो अभी हम पहुंच चुके हैं, मेरा जो ननिहाल है तसवारिया, वहां पर तसवारिया एक गांव है केकड़ी के पास, केकड़ी ज़िला है, तसवारिया तहसील है, ज़िला अजमेर है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मेरे साथ मेरे नानों से चल रहे हैं ये बताएंगे। केकड़ी क्या है, तहसील और ज़िला अजमेर और गांव तसवारिया। ऑलराइट, सो ये मेरे नानोसा की जन्मभूमि है, यानी कि मेरे नानोसा यहीं पैदा हुए थे तसवारिया में। और ये आप गढ़ देख सकते हैं, ये गढ़ है। नानोसा जब बहुत छोटे थे तब इनका परिवार इसी गढ़ में रहा करते थे, इसी गढ़ में कोई रूम और किचन, मतलब अलग अलग परिवार थे, नीचे परिवार के सब वहीं रहते थे। अच्छा। और ये जो अभी खाली पड़े हैं ये किसके हैं, ये वाले खाली जो पड़े हैं मकान अभी? ये गजराज सिंह जी का है, उमेश सिंह का भाई बड़ा। अच्छा, सीआरपी में था। अच्छा। और ये वाला, ये हरमान सिंह जी। अच्छा, ऑलराइट, सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ गढ़। सही बना दिया नहीं पहले बक नीचे होद बनाया क्या है या कोई देवता का बना रहा होद है होद। अच्छा, यहाँ तक तो बढ़िया कर दिया इसने। पहले तो उबड़ खाकर पत्थर ही पत्थर थे, यहाँ ये अंदर माता जी का स्थान है। बहुत अंधेरा होने की वजह से क्लियर दिख नहीं पा रहा है, बट मैं ट्राई करता हूँ ऊपर ले जाके दिखाने का। ये मंदिर है, बहुत अंधेरा है लेकिन दिख नहीं पा रहा है यार। ऑलराइट, सो माता जी को हम यहीं से आशीर्वाद लेते हैं, माता रानी का। ये हम गढ़ में एंटर कर गए हैं अंदर, ये आप देख सकते हैं ऊपर जो है ये, इसे शीश महल बोलते हैं, जो नीले दरवाजे आपको दिख रहे हैं ये शीश महल हुआ करता था एक टाइम पे, कहते अभी भी हैं, अब रहा कितना है शीश महल अंदर से वो पता नहीं। सामने जहाँ पर वो पूजा चल रही है, ये बजरंग बली का मंदिर है, गढ़ के जो बजरंग बली हैं उनका मंदिर है ये। ये हमारी सलैरियो खड़ी है बहुत ही शान से। ये गढ़ का दूसरा साइड है, मतलब गढ़ के अंदर का ही दूसरा हिस्सा, राइट साइड पे। गढ़ की काफ़ी मरम्मत हो चुकी है पहले के मुकाबले, क्योंकि रेनोवेशन वगैरह का काम चला था, तो जितना भी टूट फूट थी वो सब ठीक करवा दिया गया है। पुराना बहुत हो चुका है तो इस वजह से छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। ये सीढ़ियाँ आज भी अंदर से जर्जर हो चुकी हैं बिल्कुल, और मेरे ख्याल से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं ये। हाँ, ये देखो, सो दिस इज़ द वे इट इज़। कितना अच्छा लगता है जब आप अपने बचपन की यादों के बीच वापस लौटते हो, जहाँ पे आपका बचपन बीता, आप बड़े हुए, आपने खेले खाए कूदे, सारे हुड़दंग सारी मस्तियाँ की, वो सब यादें वापस ताज़ा होने लगती हैं। हालांकि माता पिता नहीं रहे नानोसा के, मेरे जो बड़े नानोसा हैं बड़े नानीसा हैं वो अब नहीं हैं इस दुनिया में, वो इस वक्त जहाँ भी हैं इससे अच्छी दुनिया में, और हमें देख रहे हैं कि उनके बच्चे खुश हैं, जीवन में अच्छा कर रहे हैं। ये कुआ है, यू कैन सी दिस इज़ कुआ, और पानी है या नहीं है मुझे पता नहीं। बाकी चलते हैं हम लोग ऊपर। नानोसा के पैर में दिक्कत होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है चलने में, लेकिन जज्बा है भैया सोल्जर वाला, इंडियन आर्मी में सोल्जर रह चुके हैं, तो वो जज्बा आज भी इन्हें रुकने के लिए मना करता है कि रुकूंगा नहीं, कितना भी दर्द हो तकलीफ़ हो चलते रहना है चलते रहना है। और हम भी बहुत इंस्पायर हैं इनसे, हमारा पूरा बचपन इनके साथ बीता है, इनका आशीर्वाद, इनके प्यार ने हमें बड़ा किया है बहुत।
और इनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे हम सब पर, हम यही चाहते हैं। सो अब मैं आपको दर्शन करवाने जा रहा हूँ बजरंग बली के। ये जो हैं महाराज हैं, ये पुजारी जी जो हैं पूजा करते हैं मंदिर की। हाँ सर, ध्यान से। जय हो बजरंग बली। ये उठा कर दे दे इनको, और उठा फिर के नहीं मिला, यहाँ चला के जाते। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए मैं फटाफट से गढ़ का टूर करवा देता हूँ आप लोग को। ओके सो यहाँ पर चढ़ के मैं दिखाता हूँ आपको। ओके मोर, ये दिल मांगे मोर, और ये देखो गढ़ के ऊपर से गांव के चारों तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। दैट्स द वे इट लुक्स लाइक। वो वहाँ पे आपको तालाब दिखाई दे रहा होगा, वो गांव का तालाब है, और ये बाउंड्री है गढ़ की, इसके चारों तरफ गांव बसा हुआ है। अब गढ़ के आगे की साइड चलते हैं। यहाँ पर अभी भी जो नानोसा के भाई बंद हैं उनके बच्चे रहते हैं, अभी भी खेती बाड़ी करते हैं और यहाँ का ध्यान रखते हैं, सब कुछ करते हैं वो लोग। लेकिन हाँ, 80-90% जो परिवार है वो बाहर बस चुका है, यानी कि कुछ जयपुर में बस चुके हैं, कुछ अजमेर में बस चुके हैं, आसपास के जो सिटीज़ हैं। ओके सो ये फ्रंट साइड से हम देख रहे हैं गांव, गढ़ के फ्रंट साइड का जो एरिया है आगे का, यहाँ पे ये पूरा एरिया बसा हुआ है। ये वो नीचे दरवाज़ा जहाँ से हम आए थे। एक टाइम था जब यहाँ पे चारों तरफ गहरी गहरी खाई हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, जगहें जो थी जितनी भी सब कटती जा रही हैं, मकान बनते जा रहे हैं। सो ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है, अच्छी बात है, बसावट हो रही है लोग। और ये पेड़ है, ये मेरे ख्याल से बेर का या पता नहीं कुछ ऐसा पेड़ है, जिसके बारे में कुछ हमें डरावनी कहानियाँ भी सुनाई गई हैं, पता नहीं कितनी सच या नहीं है, आई डोंट नो। ओके सो ये फ्रंट साइड है गढ़ का, खाली पड़े मकान। और अब मैं राइट साइड में लेके चलता हूँ गढ़ के, जो कि काफ़ी सारी झाड़ियों से भरा हुआ रास्ता है। वैसे तो कोई डरने वाली बात नहीं है, पर डर इस चीज़ का लगता है कि कोई सांप बिच्छू आके पिस ना कर दे। बस बाकी तो जाकर आके साइयाँ मार सके ना कोई। पर फिर मैं सोचता हूँ कि यार जिनका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सका, उनका ये साले मामूली से सांप बिच्छू क्या बिगाड़ेंगे। तो देखिए भैया, डेवलपमेंट इतना आगे बढ़ चुका है, लोग फालतू में मोदी जी को कोसते हैं। देखो आप, शौचालय देखो, चार चार शौचालय एक साथ बन चुके हैं गढ़ में, ऊपर ही ऊपर। ये वो घर हैं जो बंदे पड़े हैं बिल्कुल बहुत टाइम से, और ये बिल्कुल उजाड़ और बंजर हो चुका गढ़ का राइट साइड का पोर्शन है, जिसकी मरम्मत तो की गई है लेकिन यहाँ पे लोग रहते नहीं हैं। तो बस जहाँ पे लोग नहीं रहते वहाँ पर तो ऐसा ही कुछ हाल होता है, देख लीजिए आप लोग। मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए इस एरिया में से भी, क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा है और घर जाने का वक्त नज़दीक आ रहा है। नानों से शायद मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे बाहर। और चलते टाइम हम यूज़ करेंगे इस दरवाज़े का, क्योंकि मोस्टली आना जाना इसी से होता है, वो ऊपर से तो मैं शॉर्टकट लेके आया था। और आज माता जी के मंदिर में भी आरती हो रही है, वो भी मैं दिखाता हूँ जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स। तो अब जो गढ़ में माता जी का मंदिर है वो मैं दिखाता हूँ। Thank you.
कौन कौन वापस बताना। वो जो सामने पोस्टर लगा हुआ है वो तो कौन है? नागरेजी माता है जोधपुर की। अच्छा, ये है धनोब राणी। अच्छा, सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो नागनेचिया है, माता है, नाग के ऊपर है नागनेचिया माता, ये धनोब राणी है इधर वाली, और ये राइट साइड में जो है ये धनोब माता है। अच्छा, नागनेचिया माता जो है वो हमारे नानो साहब जोधा राठौड़ हैं और इनकी कुल देवी कहलाती हैं, कुल देवी हैं इनकी। सो माता जी आप सभी को देखने वालों को आशीर्वाद दें, बहुत सारी खुशियां दें, आपको अच्छी सेहत दें, हमारी माता जी से ही प्रार्थना है। चलने का वक्त हो चुका है, अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है और हम लोग भी अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़ते रहना ही चाहिए ज़िंदगी में और क्या। गुंडे हो रहे हैं अभी, यहाँ मकानों की हालत क्या हो रही है। अच्छा, जब हम छोटे छोटे थे तो हमें यहाँ पे बहुत सारी डरावनी कहानियाँ सुना के डराया जाता था कि बेटा गढ़ में इधर मत जाना, वहाँ पे ये भूत है, वहाँ मत जाना, वहाँ वो भूत है। मैंने बहुत बार ट्राई किया देखने का, भूतों को मिलने का, पर पता नहीं मिले नहीं। एक बार पता नहीं गढ़ में रहने वाली कोई मेरी बहुत पुरा मतलब बहुत बुज़ुर्ग नानी जी थी, मेरे नानी साथ है बहुत बुज़ुर्ग, वो पता नहीं वो मतलब एकदम से हम सीढ़ियों में खेल रहे थे छुपके, या वो तो वो एकदम से आ गए, तो हमारे लिए तो भूतों की कहानियाँ सुन रखी थी तो वो उनका आना ही इतना शॉकिंग एलिमेंट हो गया कि हम लोग बहुत डर गए थे उस दिन, और उसके बाद से गढ़ में खेलना थोड़ा कम कर दिया था। बाकी हैं कुछ सच्ची कहानियाँ भी हैं जो यहाँ पे घटनाएं घटी हैं, जो कि मैं अभी तो बता नहीं पाऊँगा क्योंकि हैं कुछ रीजंस उसके पीछे। बाकी है बहुत प्यारी जगह और हमारी तो बचपन की इतनी सारी यादें जुड़ी हुई है इस जगह से, इस गांव से। मेरा ननिहाल, मेरी मम्मी यहाँ पे बॉर्न हुई थी, मेरे मामों सा और जितने भी हैं, मेरी मासी सा, अब तो बहुत कुछ यहाँ पे पूरी जगह कवर्ड हो चुकी है मकानों से, घरों से। पहले पूरी जगह खाली हुआ करती थी और ये गणेश जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है ये, मतलब बहुत पहले से बना हुआ है। गणेश जी की मूर्ति आप देख सकते हैं इसके अंदर, गणपति बप्पा मोरया। अंधेरा बहुत हो चुका है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, तो भैया अब अंधेरे में देखना पड़ेगा वीडियो। ये भी गांव का एक बहुत पुराना मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है ये।
एक चीज़ जो आप लोगों ने नोटिस की होगी वो ये कि इस गांव में बहुत सारे मंदिर हैं, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि एक टाइम पर ये गांव, मतलब ये आप तालाब देख सकते हैं, बहुत अंधेरा हो गया यार, मैं क्या करूँ, कैसे दिखाऊँ, हाँ मतलब देख के काम चला लो इतने में, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, जो इतने सारे मंदिर है उसके पीछे रीज़न ये है कि एक टाइम पर यहाँ पर बहुत सारे भूत प्रेत चुड़ैलें ये सब चीज़ें एक्चुअल में हुआ करती थी, और वो ठीक भी इसी वजह से हुई क्योंकि यहाँ पर जब इतना ज़्यादा लोग भगवान पर विश्वास करने लगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जब आपके सपोर्ट में आती हैं, पॉजिटिव एनर्जी, वो जब परमात्मा की शक्तियाँ आपके साथ होती हैं तो बड़े से बड़ी चुड़ैलें भाग जाती हैं। धक्का खाते हो चक्की पे जाके आए और नानोस आ गए अपने बचपन के दोस्त के पास। कितने बजे खा ला।